Hello and welcome to our YouTube channel Watch and Ponder. Now today I am going to discuss about national income and how to calculate national income of any country. So this is the unique topic. अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वेदर बैंक, SSC और RBI और नाबार्ड. क्योंकि RBI और नाबार्ड का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो स्कोप इस चैप्टर का वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है. तो उसके लिए हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव और अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट नेशनल इनकम और कैसे कैलकुलेट करना है तो वो इस स्लाइड से आप देखकर समझ सकते हैं. और आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, रट्टा मार करना ही नहीं है आपको. बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, बस हम वो देखेंगे. और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी GDP, GNP, NNP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब आप इजीली निकाल लेंगे बिना किसी भी फॉर्मूला को रटे हुए. नाउ हम अब दूसरे स्लाइड पे हैं और दूसरा स्लाइड हमारा कहता है व्हाट इज़ नेशनल इनकम. तो इस स्लाइड में हम बेसिकली देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम का. और जैसा स्लाइड कह रहा है यहाँ पे, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्यूरिंग टू ए कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ए ईयर्स टाइम. यानी कि हम एक साल को एज अ रेफरेंस लेते हैं कि एक साल में हमारे इकोनॉमी की डिफरेंट सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. एक और चीज़ है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट. नाउ अब आप देखिए इसमें चार नई नई चीज़ें ली गई हैं. पहला है वेज, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है रेंट एंड प्रॉफिट. सबसे पहले अगर आप किसी को अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय रखते हैं तो आप उसको हर महीने सैलरी देते हैं, विच इज़ कॉल्ड वेजेस. नाउ आप अपनी कंपनी चला रहे हैं तो हो सकता है आपको बैंक से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े. तो अगर आप कोई मनी सिक्योर करते हैं किसी भी बैंक से तो आप उसके रिटर्न में आप उसको मंथली, इंटर ईयरली और क्वार्टरली एक सर्टेन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट पे करते हैं. तीसरा है रेंट, वेदर इट इज़ ओन्ड बाई कोई इंडिविजुअल ओन करता है, प्रोपराइटर ओन करता है, ओनर जो है कंपनी का उसके पास लैंड है तो हम उसको रेंट पे करेंगे. एंड फाइनली इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ कि अगर आपको कभी भी कंपनी में प्रॉफिट होती है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका एक पार्ट आप उसके ओनर को भी, कंपनी के ओनर को भी पे करते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. नाउ देर इज़ अ टर्म इन इकोनॉमिक्स विच इज़ कॉल्ड फैक्टर इनपुट और ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट. नाउ फैक्टर कॉस्ट में मोस्टली चार चीज़ें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ ये चार चीज़ें हैं जो फैक्टर कॉस्ट के अंदर आती हैं और ये हमारा जो डेफिनेशन है वो भी कुछ यही बातें करता है. नाउ वी आर ऑन स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 3 हमारा कहता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. नाउ हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस देख लिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आखिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 स्टैंडर्ड मेथड है और वो है वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड. नौ ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम 3 तरह से नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहला हमें देखना है व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन मेथड. नाउ वैल्यू एडिशन मेथड में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीदते हैं और उसको प्रोडक्शन साइकिल में डालते हैं और डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर के वो एक फाइनल गुड बन के तैयार होता है. और फाइनल गुड वो भी होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं. और इंटरमीडियरी गुड वो है जो कि एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल है जिसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, देन उसके बाद ही हम उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं.
तो वैल्यू एडिशन मेथड। तो वैल्यू एडिशन मेथड में बेसिकली होता यह है कि हमने कितना वैल्यू ऐड किया अपने रॉ मटेरियल में। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल 1000 रुपये का ख़रीदा और उसमें हमने 1000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, फैक्टर इनकम जिसको हम कहते हैं। फैक्टर इनकम में आता है हमारा रेंट, वेज, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमने ऑनर को कितना दिया, हमने रेंट कितना दिया, हमने इंटरेस्ट कितना पे किया और ओनर ऑफ लैंड को हमने कितने पैसे दिए। तो ये हमारा है वैल्यू एडिशन मेथड। दूसरा है हमारा इनकम मेथड। ना इनकम मेथड क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन साइकिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे इनकम जनरेट करते हैं। और जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी सैलरी, हम कहीं काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं, या तो अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो मुझे सैलरी मिलती है, अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे उससे इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनकम मेथड के अंदर आती हैं। दैट इज़ सम ऑफ इनकम अर्न बाय ऑल इंडिविजुअल इन अ कंट्री, तो उसको हम कहते हैं इनकम मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड कहता है हम और आप खर्च करते हैं। कोई कंपनी, कोई अगर कोई आदमी कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले इनिशियली इन्वेस्ट करता है, तो विच इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर फंड। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी का एक्सपेंडिचर किसी का इनकम भी होता है। अगर हम शॉप पे जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए तो हम पैसे पे करते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, बट वो शॉपकीपर के लिए इनकम है। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ चीज़ें हैं जिसको बारीकी से देखना है, डबल अकाउंटिंग ना हो जाए। मैं आपको एक डबल अकाउंटिंग का एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक किसान है जो 1000 रुपये का वीट ग्रो किया और एक कंपनी को लाके वो बेचता है 1000 रुपये का। कंपनी उसे 1000 रुपये में ख़रीदती है और फर्दर उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने में कंपनी को मान लो 1000 रुपये का खर्च आया और 500 रुपये उसने लेबर और जो भी उसके चार्जेस हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जो भी उसने एक्सपेंडिचर अक्योर हुआ उसको ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल, तो टोटल आउटपुट इज़ इक्वल टू 2500। 1000 रुपये में किसान ने उसको बेचा, 1000 रुपये का उसने वैल्यू एडिशन किया कंपनी ने, और 500 रुपये का लेबर, लैंड और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो उसको आया, तो टोटल हमारा हो गया 2500 रुपये। नाउ ये तो टोटल आउटपुट हो गया कंपनी का, बट आप इसमें देखोगे 2500 में कि 1000 रुपये का एक इंटरमीडियरी गुड था जब कंपनी ने वीट खरीदा फार्मर से, क्योंकि वो इंटरमीडियरी गुड है। और GDP कैलकुलेशन में हम कभी भी इंटरमीडियरी गुड को कंसीडर नहीं करते। अगर हम इंटरमीडियरी गुड को कंसीडर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम डबल अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हम फेस करने लगेंगे। अब आप देखो डबल अकाउंटिंग कैसे, फार्मर ने वीट उपजाया अपनी फार्म से तो वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, वो कोई वैल्यू एडिशन करने नहीं वाला। तो कंपनी ने उसे फिर 1000 रुपये में ख़रीदा, बट कंपनी के लिए वो 1000 रुपये इंटरमीडियरी गुड है। तो हमेशा हम रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कभी भी हम इंटरमीडियरी गुड्स जो भी होता है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हम ये इंटरमीडियरी गुड्स और ये फैक्टर और सब्सट्रैक्शन जो करके हम डिफरेंट फार्मूलाज बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड नंबर 4, और स्लाइड नंबर 4 हमारा कहता है व्हाई वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। हाँ, अब मैं उनको अटेंशन करना चाहूँगा जो RBI ग्रेड बी और नाबार्ड का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए यहाँ से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। वाई डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मैंने कुछ बोल्ड पॉइंट्स लिखे हैं, जब वो लोग जो RBI और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इसको थोड़ा एलोबरेट कर करके एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये पॉइंट्स क्या है एक बार हम लोग देखते हैं इसको। टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर कंट्री, हम नेशनल इनकम इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें पता चले कि ग्रोथ क्या है हमारा। सक्सेस और फेलियर ऑफ प्लानिंग, अब आप ये देखोगे एवरी गवर्नमेंट हैज़ अ प्लान फॉर इट्स कंट्री, जो कि
पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलता था, बट अब उसको हटा करके नीति आयोग है, बट ऑलमोस्ट फंक्शन सेम है। हम प्लानिंग अभी भी करते हैं, कभी लॉन्ग टाइम करते हैं, कभी शॉर्ट टाइम करते हैं, बट प्लानिंग इज़ नेसेसरी। थर्ड इज़ एस्टिमेटिंग पर कैपिटा इनकम। अगर आपको नेशनल इनकम पता चल जाए तो एटलीस्ट आप उसको जनरल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम आप निकाल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी रही किसी पर्टिकुलर ईयर में। और एक ये भी है कि मोस्टली किस हमारे पास और किसी भी कंट्री में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, एंड व्हाट आर दोस सेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, जो रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ, माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। नाउ सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग फिर कुछ वैल्यू ऐड करके, रॉ मटेरियल से वैल्यू ऐड करके उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनल गुड्स बनाते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज़ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इज़ लाइक बैंकिंग, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लाइक हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और जो टर्शियरी सेक्टर है हमारी कंट्री का, वो बेस्ट परफॉर्मिंग है कंपेयर टू दीज टू। नाउ अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कि हमारे कंट्री में वेदर द ग्रोथ इज़ सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर सस्टेनेबल नहीं है तो इट विल लीड टू इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी कंट्री का और जनरल पॉपुलेशन का, वो इंक्रीज करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट गुड्स खरीद पाएंगे। और व्हाट आर द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ जनरल पॉपुलेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो हमने देखा 3 मेथड है हमारे पास, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम इस तीन तरीके से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि डिफरेंट सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है जनरल पॉपुलेशन का, किस चीज़ पे लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे कम कर रहे हैं, तो ये आप उस डेटा को देख करके आसानी से पता कर सकते हैं। नाउ लेवल एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। नाउ अब आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में आ रहा है तो किस सेक्टर में आ रहा है। जैसे मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में कहा कि अगर कोई आदमी कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम ये सारे डेटास को देखेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कौन सी सेक्टर में कम हो रहा है। नाउ हम स्लाइड नंबर 4 पे हैं और चौथा स्लाइड कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इस प्रेजेंटेशन का, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस ग्रॉस जीडीपी, नेट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस और नेट का। सो इसका नाम इस स्लाइड का इसलिए भी हमने रखना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट, आखिर इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोडक्शन रिक्वायर्स यूज ऑफ फिक्स एसेट लाइक मशीन, बिल्डिंग द लाइफ। अब नाउ अब देखिए मशीन और बिल्डिंग दो चीज़ों का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। दो चीज़ें हैं, एक मशीन है और दूसरा बिल्डिंग है। तो इन दोनों चीज़ों का लाइफ जो होता है वो लिमिटेड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये दोनों एसेट किसी यूज़ के नहीं रहेंगे और ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है हर साल बिल्डिंग में, मशीन में। अब आप मशीन से एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोज ए कंपनी बाइज मशीन फॉर प्रोडक्शन। नाउ मशीन इज़ लिमिटेड लाइफ से 10 ईयर्स। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस कोई भी मशीन या बिल्डिंग हो उसमें वियर एंड टेयर होता है। नाउ दैट वियर एंड टेयर हो जो भी होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। वट एवर द वैल्यू इट लूजेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मशीन बिल्डिंग इसकी एक वैल्यू होती है और हम वो खरीदते हैं तो एक सर्टेन कंसिडरेशन पे करते हैं, देन हम वो चीज़ खरीदते हैं। एंड इफ़ वी डिडक्ट, अब मान लो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो
डेप्रिसिएशन को आप माइनस करते हो ग्रॉस वैल्यू में, तो आप हमेशा नेट वैल्यू पाओगे, यानी कि जीडीपी और जीएनपी जो भी होता है, आप उसके फॉर्मूला में अगर आप नेट देख रहे हो तो ये आप समझ जाना कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया है वहाँ पे, जो भी वेयर एंड टेयर कैपिटल फिक्स्ड गुड का या फिक्स्ड कैपिटल का जो भी वेयर एंड टेयर हुआ वो हमने माइनस कर दिया। तो हम जब वो माइनस करते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिलता है, और ग्रॉस वैल्यू जो भी होता है हमारा उसमें ये हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस वर्सेस नेट का, और सारा फॉर्मूला इसी के आसपास घूमता है ग्रॉस वर्सेस नेट का। जीडीपी में, जीएनपी में, एलएनपी में, एनडीपी में आप देखेंगे तो ये हमेशा ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला में यूज़ होता है। तो आपको इतने सारे फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिफरेंस देख लो ग्रॉस और नेट में क्या होता है। ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, बट जैसे हम ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं देन वी गॉट नेट वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज़ द वन कॉन्सेप्ट विच आई टॉक्ड इन लास्ट स्लाइड और मे बी द फर्स्ट स्लाइड आई डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो इसको आपने देखना है ग्रॉस और नेट का, ये इसी के चारों तरफ सारा कॉन्सेप्ट घूमता है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट। अभी जो हमने डिफरेंस देखा ग्रॉस और नेट में, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमको सारे फार्मूलाज को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार हम देख लेंगे तो ये बस हम कॉन्सेप्ट अगर याद कर लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ग्रॉस वर्सेस नेट में आखिर डिफरेंस क्या है। नाउ पहला चीज़ हमारा यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज़ ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस? नाउ अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस इंटरमीडियरी कॉस्ट। अब आप याद करो वो एग्जाम्पल मैंने जो फार्मर और प्रोडक्शन यूनिट का दिया था, जिसमें कि 1000 रुपये का जो वीट था वो फार्मर ने कंपनी को बेचा था और कंपनी ने उसको फर्दर प्रोसेस कर करके ब्रेड बनाया था। अगर आप देखोगे तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस में उसने इंटरमीडियरी कॉस्ट को माइनस कर दिया, जितना भी उसने वैल्यू एडिशन किया उसमें से इंटरमीडियरी कॉस्ट, यानी कि जो कंपनी ने 1000 रुपये का गेहूं खरीदा था फार्मर से उसको माइनस कर दिया, विच इज़ इंटरमीडियरी गुड फॉर कंपनी। तो जैसे हम उसको इंटरमीडियरी गुड को माइनस करते हैं हम अपने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई द कंपनी, तो हम ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। नाउ अब दूसरा एग्जांपल देखो, पहला तो हमने ग्रॉस का देख लिया, अब दूसरा देखो नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस। अब नेट में देखो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्योंकि हम नेट की बात कर रहे हैं। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम नेट वैल्यू पाते हैं। नाउ द सेकेंड लाइन कहता है नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? नाउ नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा वर्ड किया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीन, यही सब होता है। तो इसको अगर हम माइनस कर दें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को या डेप्रिसिएशन को, देन वी विल गेट नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा। ये मार्केट प्राइस याद रखना, अभी हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस के बारे में भी आगे। तो अभी आप ये स्लाइड ध्यान से देखो, एग्जाम्पल्स को देखो ताकि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़े। नाउ द थर्ड इज नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ फैक्टर कॉस्ट आप याद करो लैंड, लेबर, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये चार चीज जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नाउ नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? अब देखो नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट की ये बात कर रहा है, ध्यान से देखो आप फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जब भी ये करेगा तो इसका मतलब होता है नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस क्यों किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने माइनस इसलिए किया क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय द रियल कंज्यूमर। तो जो वो रियल कंज्यूमर, चूँकि ऑलरेडी जब वो खरीदेगा प्रोडक्ट तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करेगा, लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, जो ये सब अब खत्म हो गया, अब हमारे पास जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। सो इसको सिंप्लीफाई किया गया है जीएसटी के थ्रू, हम जीएसटी के बारे में किसी और दिन पढ़ेंगे। नाउ इसमें इसने क्या किया है, नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस कर दिया है। इसलिए माइनस किया है क्योंकि कंपनी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर से तो ले ही लेगी, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है प्लस सब्सिडीज। नाउ सब्सिडीज को आप पहले समझो, सब्सिडीज इज अ इनपुट है। वो इनपुट इसलिए है कि किसी खास इंडस्ट्री, किसी खास चीज़, किसी खास कमोडिटीज को ग्रो करने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी बिल में देती है, वाटर में देती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है जिसमें वो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है। तो सब्सिडी इज़ अ ट्रांसफ़र प्राइस है वो, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पैसा ला के वो दे रही है आपको, तो उसको हम ऐड करते हैं बिकॉज इट इज़ अ इनपुट, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ वी आर ऑन स्लाइड नंबर 7, और स्लाइड नंबर 7 का हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। नाउ अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और आप हमेशा देखते होंगे जो GDP या NNP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछे जाते हैं कि आप मार्केट प्राइस पे बताओ, और दूसरा तो ये पूछा जाता है कि आप फैक्टर कॉस्ट पे बताओ। और देखो ये इसमें कई सारी बारीक लाइनें हैं जो आपको समझना है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये बहुत टिपिकल पूछा जाता है, बहुत कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, बहुत डीप में जाके पूछा जाता है। तो अगर आप ये स्लाइड ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। नाउ यहाँ पे है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। नाउ फैक्टर कॉस्ट तो आपको पता था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा होता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पता था कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। तो और फैक्टर कॉस्ट जब भी हम लेते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं और सब्सिडीज़ को हम ऐड कर रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में या फार्मूला में फैक्टर कॉस्ट मिले तो आप हमेशा एक चीज़ समझ जाना कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, माइनस हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस हो रहा है सब्सिडीज, ये आप समझ जाना। सेकेंड फैक्ट, मार्केट प्राइस में आप जब भी कोई भी फार्मूला देखोगे मार्केट प्राइस से रिलेटेड, तो आप ये समझ लेना इसमें कहीं ना कहीं हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों एक ही वर्ड है और दोनों का मीनिंग भी एक ही है, वो कहीं ना कहीं हमारा माइनस हो रहा है। तो हम मार्केट वैल्यू हमें माइनस करने के बाद मिल रही है। अब इसमें देखो एक दो फार्मूला हमने स्लाइड में यूज़ किया है, वो फार्मूला है नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो इसमें इस फार्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस में इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया और सब्सिडीज़ को ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भी फैक्टर कॉस्ट हो वहाँ ज़रूर देखना आप, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में होगा और सब्सिडीज़ हमेशा प्लस में होगी। नाउ आप देखो एक और इसमें से दो ही इक्वेशन इसमें देखना है आपको। दूसरा ये है ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। देखो इसमें फिर इसने मार्केट प्राइस ऐड कर दिया, तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस अगर हम लेते हैं, यानी अब तो हम ग्रॉस निकाल रहे हैं कि हमने कितना एडिशन किया है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला में उसने क्या लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कॉस्ट। इंटरमीडियरी कॉस्ट से आप याद करो जो 1000 रुपये का गेहूँ था जो फार्मर ने एक प्रोडक्शन कंपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बेचा था, जिसने उसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाया था, तो वो जो 1000 रुपये में इस कंपनी ने वो गेहूँ जो खरीदा था फार्मर से, वहाँ पे अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अगर हम इंटरमीडियरी कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं तो फिर हम डबल अकाउंटिंग के चक्कर में फंस जाएंगे, तो हम एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाएगा फिर हमें। और आपने आपको जैसे मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीज़ होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट के अंदर। और देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सब्सट्रैक्टेड, बट इन फैक्टर कॉस्ट ओनली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इंक्लूडेड एंड इनडायरेक्ट टैक्स वेयर सब्सट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज वेयर एडेड। तो ये आप मार्केट प्राइस के बारे में आप समझ गए और फैक्टर कॉस्ट के बारे में समझ गए। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, स्लाइड नंबर 8। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, देख लेते हैं, जैसा हमने ग्रॉस और नेट में एग्जांपल्स लेके देखा था ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा फार्मूलाज है और बस अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो फिर कुछ भी नहीं है इसको बनाना।
नाउ इसमें आप देखो मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और डिफरेंस तो आपने समझ लिया लास्ट स्लाइड में. अब एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं. देखो इसमें पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. क्या है जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस? जीडीपी हमारा होता है सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट पुट टुगेदर. और आप जब भी जीडीपी के बारे में सुनते हो तो जीडीपी में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें सिर्फ कंट्री की ज्योग्राफिकल टेरिटरी को ही हम लेते हैं. विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंदर ही जितना भी वैल्यू प्रोड्यूस किया गया बाय ऑल इंडिविजुअल, बाय कंपनीज और एवरीथिंग, जो भी इस इकोनॉमी के पार्ट हैं और जो भी जिसने भी जितना भी प्रोड्यूस किया, हम उसको ऐड करते हैं कंबाइन टोटल टोटल जो सम अप होता है हमारा, हम उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस. बट इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखो कि जब जीडीपी के बारे में पूछ रहा हो तो विद इन अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन, मतलब जो इंडियंस बाहर चले गए हैं और बाहर कर रहे हैं कोई भी काम, तो हम उसको ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर. हम सिर्फ, और अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम उसको ऐड करते हैं क्योंकि इट कम्स विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन. नाउ अब एक और वर्ड है जीडीपी के साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ स्लाइड में नहीं है, वो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नाउ अब अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें एक चीज़ ऐड होके आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जीएनपी के अंदर ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है और उसमें हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं करते. इकोनॉमिक टेरिटरी में अब आप देखो कई सारी इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड में हैं तो वो इंडियन टेरिटरी काउंट होता है. ठीक है, कोई भी एम्बेसीज अगर किसी दूसरे कंट्री में होती है, इंडियन एम्बेसीज किसी भी कंट्री में, तो उस वो एम्बेसी जहाँ होती है हम उसको इंडियन टेरिटरी कंसिडर करते हैं. तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में बात किया जाता है. इकोनॉमिक टेरिटरी से मतलब कि जो भी आउटसाइडर यहाँ काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में और जो हमारे नेशनल्स दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, हम उसका एक नेट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं इसके अंदर. तो जीडीपी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जीएनपी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल. नाउ तीसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ अगेन समझ लो, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे आ गया. फैक्टर कॉस्ट मतलब सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले ये देखो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी होगी इसके अंदर, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है. तो यहाँ पे देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट की बात किया तो नेट यहाँ पे लिए, एनडीपी लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे हम लिए, प्लस एट मार्केट प्राइस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये तीन चीज इसके अंदर आ गया. तो आपको देखो ये कितना हेल्प कर रहा है, ये जो दो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा वो आपको कितना हेल्प कर रहा है. नौ चौथा आप देखो फॉर्मूला यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट की बात कर रहा है तो हमेशा हम नेट में लेंगे. देखो इक्वल के लेफ्ट साइड में नेट है तो इक्वल के राइट साइड में भी नेट होगा. देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दोनों मार्केट प्राइस ही होगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जैसे मैंने जीएनपी से बात किया वैसे ही जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो इसमें देखो नेट फैक्टर इनकम प्लस अब्रॉड से हमने कर लिया, यानी कि जो फॉरेनर यहाँ काम कर रहे हैं और जो हमारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं उनका नेट इनकम हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. नाउ अब लास्ट फार्मूला देखो इस स्लाइड का, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है. अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में देख लो आप, सब समझ जाओ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, प्लस ये नेट की बात कर रहा है तो आप याद करो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं और जो फॉरेनर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनका डिफरेंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाएगा. नाउ अब हम अपने प्रेजेंटेशन के नौवें स्लाइड पे हैं और हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे डिराइव करते हैं. अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं, वो आपको नीचे के दिए हुए तीन फार्मूला से आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि हम इसके अंदर लेते क्या हैं. तो जैसा हमारा स्लाइड कह रहा है कि फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड
नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट इन ए ईयर बाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी बाई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो हम वैल्यू एडिशन मेथड से देखते हैं कि रेजिडेंट और जो जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम करते हैं हम उसको भी काउंट करते हैं. तो आप अगर नेशनल इनकम देखो वैल्यू एडिशन मेथड से, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट बाय प्रोडक्शन यूनिट प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. तो यहाँ पे देखो कि सम ऑफ नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें याद है कि फैक्टर कॉस्ट में हम कुछ नहीं, बस ये याद रखते हैं कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. इसका ये मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स भी काम करते हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट बाहर किसी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो हम उनका नेट वैल्यू निकाल लेते हैं. जैसे जो भी हमें पैसा आया, जो हमारे रेजिडेंट हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनके इनकम को हम ऐड कर देते हैं, और जो रेजिडेंट इंडियन जो सॉरी जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हम उसको ऐड करके और दोनों के नेट वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर. तो ये तो पहला मेथड हो गया हमारा. दूसरा है नेट वैल्यू एडिशन, आखिर हमने प्रोडक्शन यूनिट में कितना वैल्यू ऐड किया. तो अगर हम वो देखें तो हम सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन ले लेते हैं माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप प्रोडक्शन चलाते हो प्रोडक्शन करते हो तो मशीन में वेयर एंड टेयर होता है जिससे कि वो मशीन अपनी वैल्यू खोती है. तो वो कितना वैल्यू खोती है वो हम निकालते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. उसको हम अगर माइनस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने प्रोडक्शन साइकिल में एग्जैक्टली कितना वैल्यू ऐड किया. नाउ अब इसमें है नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ अगेन फैक्टर कॉस्ट आपको पता ही होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़. अब आप समझ ही जाओ फैक्टर कॉस्ट है इसके अंदर, तो हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और हम सब्सिडी को ऐड करेंगे इसके अंदर. नाउ वी आर ऑन स्लाइड नंबर 10, और स्लाइड नंबर 10 में हम देखेंगे इनकम मेथड. नाउ अगर हमें नेशनल इनकम डिराइव करना पड़े इनकम मेथड के थ्रू तो हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे. अब इसमें आप डेफिनेशन देखो, द पीपल ऑफ ए कंट्री हु प्रोड्यूस GDP, मतलब वर्कफोर्स, जो हमारा वर्कफोर्स है, ड्यूरिंग ए ईयर रिसीव इनकम्स फ्रॉम देयर वर्क. और अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो तो आप उसको सर्टेन अमाउंट एज अ सैलरी पे करते हो एट द एंड ऑफ द मंथ. तो दस GDP बाई इनकम मेथड इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. अब आपको पता ही है फैक्टर इनकम्स में क्या होता है, वेजेज एंड सैलरीज होती है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है. इसको आप दूसरे वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये चार चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम ईजिली डिराइव हो जाएगा. नाउ हम तीसरे मेथड पे हैं, नेशनल इनकम जो हम तीसरे मेथड यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे डिराइव करते हैं. तो इसमें आप देखो कि फ्रॉम द फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड इट इज़ द सम ऑफ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब हमने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. फिर हम उसको माइनस कर देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स लूजेज इट्स पावर और इट्स लाइफ. तो हम उसको एक मॉनेटरी वैल्यू में निकाल के, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी करते हैं, और उसको इसमें माइनस कर देते हैं. और इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ को हम ऐड करते हैं जो कि फैक्टर इनकम में हम करते थे. और दूसरा है कि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो हमारे रेजिडेंट किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं और किसी और कंट्री के रेजिडेंट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसकी एक नेट वैल्यू ले लेंगे, उसकी नेट वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे. तो इससे हमें इनकम नेशनल इनकम कैसा मिलेगा, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटरीज लाइक इंडियन एम्बेसीज जो बाहर काम कर रही हैं तो उसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं. और जियोग्राफिकल टेरिटरी हम वो कहते हैं जो कंट्री का ज्योग्राफी होता है. तो उसमें हम देखते हैं क्या है नेशनल इनकम, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम डिराइव करने का फॉर्मूला.
और इस मेथड में सबसे बड़ा चीज़ हमें क्या अपने दिमाग में रखनी है कि इसमें हमेशा डबल काउंटिंग हो जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया कि डबल काउंटिंग हम कैसे अवॉइड करेंगे, तो कभी भी हम इंटरमीडियरी गुड्स को काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर, हमेशा हम फाइनल गुड्स को प्रेफर करेंगे, जिससे कि हम डबल अकाउंटिंग से बच सकते हैं।